स्टार्ट कर दो। जय हिंद, नमस्कार। कुछ साथी और भी हैं जो अपना कुछ बताना चाहेंगे, आज के पेपर में क्या रहा? सर, आपके ऑनलाइन बैच से पढ़ा था मैंने, और जो आपने पढ़ाया था उसमें से बहुत आया है। 25-30 क्वेश्चन तो आपने जो पढ़ाया उसे ही छप गए हैं। चलो, कई सारे क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्लास से सीधे आए हैं, और पेपर थोड़ा सा ईजी था, तो इस वजह से देखो आपको पता ही है कि भाई कहीं ना कहीं पेपर तो फंसता ही है। तो और आपने तैयारी कहाँ से करी? तैयारी आपसे की थी सर, ऑनलाइन स्टडी करके, ऑनलाइन आपके चैनल से। कहाँ से हो? महाराष्ट्र। कैसा कैसा मामला पेपर? पेपर तो बढ़िया गया, शानदार। कितने क्वेश्चन मारे? 49। अरे भैया बहुत बढ़िया, 49 मारे। कितने सवाल? 10 क्वेश्चन कन्फ्यूजन में थे, थोड़े कन्फ्यूजन में थे, फिर भी मार दिया। चलिए चलिए, हमारे साथ है जी, महाराष्ट्र का है। कितने क्वेश्चन है? 35 किए मैंने सर। 35 किए? हाँ, पूरे करेक्ट किए। हाँ, करेक्ट किए। हाँ, तो आपके क्लास करता था मैंने, आपके क्लास किए हमने। चलो बेस्ट ऑफ। हाँ, खुश रहो खुश रहो सर। 42 मार के आया हूँ सर। 42? यस सर। क्या मामला, पढ़ाया कुछ आया क्या? सर पूरा GS 10 में 10 फोड़ दिए सर। अरे भाई बहुत बढ़िया है ना। देखो ये आइसक्रीम खाता हुआ बच्चा तो भाई बहुत बोल रहा है कि बहुत कुछ सर ने का पढ़ा है, लगभग आया है। क्या सर, पेपर अच्छा रहा? बढ़िया, शानदार। हाँ सर, तो भाई कहीं ना कहीं पेपर तो ली थी परसों, उसमें तो बहुत कुछ आया। बहुत है। हाँ ठीक ठीक है ना। क्वेश्चन सर बहुत मतलब इजी था इस बार, क्वेश्चन कहीं ना कहीं इजी था, इसीलिए फंस गया भाई डायरेक्ट। हाँ, 49-45 किए हैं लोग। ऑल ओवर स्टूडेंट का यही कहना है। कितने क्वेश्चन मार गए हो सर? 45 मारे हैं। 45 कितने सही हो सकते हैं आपके? गलत है सर, कंफर्म पता है? हाँ सर, कंफर्म पता है सर। सवाल बोलो ना, ज़्यादा कर दिया सर ये थोड़ा गलत। वो क्या है कि सबसे ज़्यादा मतलब जमने के लिए क्या होता है वो? एक G20 वाला आया था, G20 वाला आया था पिछली बार, G20 क्वेश्चन आया था इंडिया में, और एक वाला आया था सर, नीरज चोपड़ा वाला आया था, और एक उसके बाद अपना ये आया था, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड 2000 चेस का आया था, चेस का 2023 का चेस का कौन जीता था? और आपने कल ही क्वेश्चन पढ़ा था सर, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है, वो क्वेश्चन आया था, खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा। हां जी, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन लिखा, और फेदम आपको पता है समुद्र की गहराई में फेदम आती है, मीटर कितनी? 40 करके आए, सही करके आओ। पहला परमवीर चक्र, पहला परमवीर चक्र, पहला परमवीर चक्र सोमनाथ, सोमनाथ ग्राउंड है आपको पता है, वहाँ पे रानीखेत में सोमनाथ ग्राउंड। राइट साइड है कि लेफ्ट साइड? कौन सा लिखा आपने? सर हमने तो उसका राइट साइड में नौसेना ने कौन सा वो विमान लिया था, उसका INS विक्रांत आया था। हाँ, INS विक्रांत का क्वेश्चन आया जीके में। और बोलो और बोलो, परमाणु बम आया था, परमाणु के वो कौन है? परमाणु अनुसंधान। अब कई सारे बच्चों के चेहरे पे मैंने कुछ, कई सारे इंद्रधनुष का क्वेश्चन है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बता रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन कई सारे बच्चे मायूस लग रहे हैं मेरे को, बोल रहे हैं ये पेपर इजी आ गया, कहीं ना कहीं बंदों ने गलत भी किया, अटेम्प्ट ज्यादा कर दिए, अटेम्प्ट किसने ज्यादा करे? उसके अंतरराष्ट्रीय अदालत कहाँ है ना, वो बया था अंतरराष्ट्रीय अदालत, अदालत कहाँ पे है? द हेग में, नीदरलैंड में क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, द हेग लिखा है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। बाला वाला गया था नीरज चोपड़ा, कहाँ किस खेल से संबंधित है? कौन सा खेल है? ओ भेला पाक, बाला फेंक सा है सर। एक पेट्रोल का भी आया था, पेट्रोल का भी आया सर। गैसों का दाब गैसों का दाब किस में? बैरोमीटर, बैरोमीटर। और बताओ और सर, एक वो अपना जल और एल्कोहल को पृथक करने की विधि पूछी गई थी, हाइपोथैलेमस वो आया था, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस। जय हिंद जय हिंद। और कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा है सर। ये इजी क्वेश्चन है, बार बार छपता है, GDO ट्रेडो सब फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है? कुछ बोलेगा? बहुत अच्छा पेपर था, बहुत मजा आया पेपर करके। और क्या लगता है सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। किसका सेंटर है आपका? मेरा राजपूत अदर सेंटर है। अदर सेंटर, होम सेंटर का ज्यादा चांस है इधर, बता रहे हैं ना, होम सेंटर ज्यादा चांस। जो फादर रिले सर अलग कहना चाहेगा, अंदर 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 को लेकर पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे आपके, ए देव सर एक बार इधर सर के पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे इसमें, जिसमें क्लोरोफिल वाला एक क्वेश्चन आया था। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलिए CFC का है क्वेश्चन? हां जी, वो रेफ्रिजरेटर वाला आया था सर, हम इसमें CFC उसका था। प्रकाश सर का हम डेली क्लास करते हैं, और सर सब लाइव क्लासेस हम देखते हैं सर का, और सब वही सब क्वेश्चन भी आया। चलो, और सोडियम लैंप का आया था। चलो चलो, और
और पानी में शराब का मिश्रण, वो अलग करने का प्रोसेस। हाँ, पानी में। बहुत बढ़िया। तो कई सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं पेपर बहुत इजी है, लड़ लो, टेंशन नहीं करना है। जिनका पेपर एआरओ वाला है ना, वो उसको सेंटर वाले का चांस है। हाँ, बता रहे हैं कि ज्यादा सेल्फ वालों का, क्योंकि बच्चे ज्यादा है इस बार, लगभग 400 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिनका सेल्फ सेंटर है, और 800 बच्चे ऐसे हैं जिनका अदर है, लेकिन उसमें फादर भी है और ब्रदर भी है। बहुत क्लास लिया हूँ सर। कितने मामले क्वेश्चन मैंने 38 किया है, 38 पर अदर सेंटर है सर। ओके, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कर देना भाई, और सबसे पहले और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ आपको वीडियो 11 तारीख को शाम को मिलेगा, जिसमें हम बिल्कुल उसको लाइव बताएंगे, एक एक चीज़ लिखी हुई आप विश्लेषण के साथ बताएंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे गए। ओके, जय हिंद जय भारत।